पहले जिस तरीके से हम पटवारियों के चक्कर लगाते थे नक्शे और खसरे के लिए, उस व्यवस्था के बाद अब एक नई व्यवस्था में निश्चित रूप से क्रेता और विक्रेता को बड़ी राहत मिलेगी। उपदा 2.0 एक मोबाइल ऐप है जो हर आदमी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से। उस पर की रजिस्ट्री है, इसमें डायरेक्ट लोकेशन जो ज़मीन है उसी की लाइव लोकेशन लेके और उसी की रजिस्ट्री हो रही है, तो फर्जीवाड़ा का की संभावना लगभग खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा 01 के बाद अब लागू किया संपदा 02। अब केसलेस के बाद फेसलेस और पेपरलेस होगी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में अब लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी सेवा का शुभारंभ करते हुए संपदा 01 के बाद संपदा 02 की शुरुआत की है। आपको बता दें, संपदा 02 चालू होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति को पंजीयन कार्यालय पहुँचने की आवश्यकता नहीं होगी और बड़े पैमाने से ही अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय सुरक्षित तरीके से कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से फर्जीवाड़े में रोक लगेगी। पूरी प्रक्रिया समझने के लिए देखिए APR न्यूज की एक खास खबर। उप पंजीयक कार्यालय उमरिया में और मेरे साथ में है सब रजिस्ट्रार। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संपदा 1 के बाद एक नई शुरुआत की गई है संपदा 2 की। क्या है संपदा 1, क्या है संपदा 2, विस्तृत जानकारी करेंगे सब रजिस्ट्रार उमरिया से। सर, शुभ नाम आपका? आशीष श्रीवास्तव। क्या है सर संपदा 1 क्या था और संपदा 2 अब क्या है? संपदा 1 में जो था डिजिटली पैन ही आधार था, पैन से के माध्यम से, थंब के माध्यम से और उसकी फ़ोटो के माध्यम से पंजीयन की संपूर्ण कार्रवाई की जाती थी। तो उस समय तक हमारा विभाग कैशलेस की दिशा में कदम बढ़ाया था। ई चालान के माध्यम से पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जमा हो जाती थी। अब इसी प्रगति को बढ़ाते हुए हमारे विभाग ने और उसको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हुए इसको फेसलेस किया है और पेपरलेस किया है। फेसलेस का मतलब है कुछ दस्तावेज़ों के लिए व्यक्ति को सब रजिस्ट्रार ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वसीयत है, अनुबंध है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो घर बैठे वीडियो कॉलिंग या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहीं बैठा बैठा अपना दस्तावेज पंजीकृत कर सकता है। पेपरलेस का मतलब है पंजीयन की कार्रवाई जैसे ही पूर्ण होगी उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे तत्काल उस रजिस्ट्री की कॉपी सॉफ्ट कॉपी में पहुंच जाएगी। मतलब वो व्यक्ति उसकी प्रति लेने के लिए इस कार्यालय के चक्कर नहीं लगाएगा। संपदा 1 में ये सब व्यवस्थाएं थीं, उसको दस्तखत भी करना था, उसको यहाँ प्रति लेने भी आना था। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ भी लोग करने की चेष्टा करते थे कि जैसे गलत व्यक्ति खड़ा कर दिया या गलत लोकेशन पर रजिस्ट्री करवा दी। इसमें दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यक्ति की पहचान आधार से होगी, आधार और OTP का जब तक सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक वो व्यक्ति क्रेता या विक्रेता बनेगा नहीं, उसी के मोबाइल पे OTP जाएगा, हर चीज़ का OTP जाएगा। वो जो डीड लिखी है सेवा प्रदाता ने, उस डीड का सत्यापन जब तक क्रेता या विक्रेता दोनों नहीं कर लेंगे तब तक वो डीड आगे उसके पास बैक नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो है संपत्ति की पहचान GIS टैगिंग के माध्यम से, हर लोकेशन की GIS टैगिंग कर दी गई मध्य प्रदेश सरकार ने। उस लोकेशन पर खड़े होकर संपदा 2.0 एक मोबाइल ऐप है जो हर आदमी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से। उस पर जाके व्यक्ति उस लोकेशन पर खड़े होकर फ़ोटो खींचेगा, तो जैसे ही फ़ोटो खींचेगा उस फ़ोटो के साथ ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ की गाइडलाइन भी आपको दिख जाएगी, क्या रेट है, क्या मूल्य है, कितना वहाँ पे बिल्डिंग का क्या है, कृषि भूमि का क्या है, सिंचित ज़मीन का क्या रेट है, ए से लेकर जेड तक की जानकारी फ़ोटो में ही इनबिल्ट आपको हो जाएगी। वो फ़ोटो आप 7 दिन तक सेव करके रख सकते हैं, 8वें दिन वो स्वतः इनएक्टिव हो जाएगी। 7 दिन के अंदर आप पंजीयन की कार्रवाई में उसको उपयोग में ला सकते हैं। वो फ़ोटो आप फ़ोटो से ये तय होगा कि एग्जैक्ट लोकेशन वही है। यदि खसरे में वर्णित लोकेशन और फ़ोटो की लोकेशन में भिन्नता है तो आपका पंजीयन नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ों की बड़ी अच्छी व्यवस्था इसमें कर दी है, व्यक्ति की पहचान आधार से और संपत्ति की एग्जैक्ट पहचान GIS टैगिंग के माध्यम से। तो एक अच्छी प्रणाली है और नागरिकों को निसंदेह इससे बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल संपदा 1 के बाद। संपदा 1 में मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कैशलेस व्यवस्था बनाई गई थी, संपदा 2 में उसको बढ़ाते हुए आगे फेसलेस आपको उप पंजीयक कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। पेपरलेस जिस रजिस्ट्री को प्राप्त करने के लिए हम कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, वो रजिस्ट्री अब आसानी से आपके मोबाइल में उपलब्ध होगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेवा प्रदाता
रजिस्ट्री करते थे उनके शुल्क में क्या कोई परिवर्तन किया गया है या उनका कार्य किस तरीके से निर्धारित होगा? ये जो पंजीकृत सेवा प्रदाता है हमारे विभाग के द्वारा, तो उनके लिए अपेक्षा ये है कि वो अपने पास एक कैमरा रखें, एक कैमरा हो, थंब स्कैनर हो या आयरस स्कैनर हो, क्योंकि कुछ काम उनको भी करना है। इनका शुल्क का निर्धारण शुरू से ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वसीयत के लिए लेखन शुल्क 500 रुपया है और शेष अन्य दस्तावेजों के लिए उनका नियत शुल्क 1000 रुपया है। जिस तरीके से ये देखा जाता था, कई बार सामने आता था कि जो पंजे शुल्क है, जो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, उस पर बड़ा फर्जीवाड़ा होता था, इस पर कैसे रोक लगेगी? चूँकि इसमें जो डीड लिखी जाती है उस समय जो क्रेता विक्रेता है उनके पास उस डीड से जुड़ी हुई समस्त जानकारी, कितना रकबा बेचा जा रहा है, कहाँ का रकबा बेचा जा रहा है, उसका पंजीयन शुल्क कितना है, उसका मुद्रांक शुल्क कितना है, वही उनको भुगतान करना है। इसके अलावा कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनकी फीस है सेवा प्रदाता की पृथक से, वो अलग होगी, उसके अलावा और कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है। मतलब इससे व्यक्ति को ये पता रहेगा कि हमको इतना पैसा पे करना है और पूरा ऑनलाइन पैसा उसका पे होगा। ई वैलेट का ऑप्शन दिया है, वो आम नागरिक भी ई वैलेट में पैसा डाल के अपना स्लॉट बुक कर सकता है और सेवा प्रदाता अपनी क्रेडिट लिमिट बनाती है तो उस क्रेडिट लिमिट से वो विभाग को पैसा दे देते हैं और बदले में, चूंकि अभी हर आदमी फोन पे और ये सब गूगल पे नहीं चलाता, तो वो कैश भी ले सकते हैं, बाय चेक से भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से हमने समझा संपदा 2.0 को किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार क्रय विक्रय कर रहे लोगों को एक नई सुविधा दी है फेसलेस और पेपरलेस की। मेरे साथ में कुछ और भी ऐसे क्रेता विक्रेता हैं, मैं उनसे समझूंगा कि इस नई व्यवस्था में जो पहली रजिस्ट्री आपने की है, आप कैसा महसूस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में ऐसे क्रेता हैं जिन्होंने पहली बार संपदा 2.0 के तहत पहली रजिस्ट्री, संभाग की पहली रजिस्ट्री हो रही है 2.0 में। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी जो रजिस्ट्री हो रही है 2.0 में, ये पहली रजिस्ट्री हो रही है संभाग की, आप कैसी इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? मैं राकेश कुमार सोनी चंदिया से। मेरी जो ये संपदा 2.0 की रजिस्ट्री है बहुत अच्छी रजिस्ट्री है और बहुत सरल सिस्टम में रजिस्ट्री है। पहले क्या था कि रजिस्ट्री में टाइम भी लगता था और कई कई घंटों वेस्ट होता था, उसके साथ साथ कई थोड़ी बहुत गड़बड़ियां भी मिलती रहीं। इस रजिस्ट्री से, मतलब इस रजिस्ट्री में बड़ा आसान हो गया है और बहुत सरल तरीके से हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस रजिस्ट्री से। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें होती थी लोगों की कि फर्जीवाड़ा हो गया या ज़मीन जो दिखाई गई दूसरी बेच दी गई या अधिक ज़मीन बेच दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे इस पर रोक लगेगी? आप चूँकि क्रेता हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है इस मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्री कहीं की हो रही है, ज़मीन कहीं की दिखा रहे हैं, है ना, तो ये फर्जीवाड़ा पहले होती रही। अब जो संपदा 2 की रजिस्ट्री है इसमें डायरेक्ट लोकेशन जो ज़मीन है उसी की लाइव लोकेशन लेके और उसी की रजिस्ट्री हो रही है, तो फर्जीवाड़ा का की संभावना लगभग ख़त्म हो गई है। अच्छा, चलिए, निश्चित रूप से हम सुन रहे थे ऐसे क्रेता को जिन्होंने संपदा 2.0 में पहली रजिस्ट्री उमरिया ज़िले उपपंजीयक कार्यालय से कराई है। अब मैं ऐसे विक्रेता से भी बात करूंगा जिन्हें पहली रजिस्ट्री की है 2.0 से और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा है। मेरे साथ में है विक्रेता, मैं नाम आपका? मैं संजय कुमार तिवारी जी। कैसा ये 2.0 से आपने पहली रजिस्ट्री कराई है? ये अच्छा है, इससे बहुत सारा फर्जीवाड़ा रुकेगा और सुविधा मिलेगी जनता को, ये अच्छी पहल है शासन द्वारा। आपको क्या क्या प्रक्रिया नई इसमें दिखी? अब इसमें नया यही दिखा, हमको कहीं कोई खसरा नक्शा निकलवाने जाना नहीं पड़ा, सब कुछ ऑन स्पॉट हो गया ये ऑनलाइन माध्यम से, और ठीक है, इससे जनता को सुविधा अच्छी मिलेगी। आपको एक बात और भी आपको मालूम होगी, जानकारी होगी, आपने इससे पहले भी क्रय विक्रय किया होगा। इसके पहले हम पटवारियों के पास जाते थे, खसरे बनवाते थे, नक्शे बनवाते थे ज़मीन के, उस प्रक्रिया के बाद इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, कितने एडवांस हम हो गए हैं? अब
देखिए साइंस है, आगे धीरे धीरे चल रहा है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी तो और ऐसी सुविधाएं मिलती जाएंगी जनता को। अच्छी है, इस तरह की पहल होनी चाहिए, कम से कम फर्जीवाड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। चलिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ये अनोखी पहल मध्य प्रदेश सरकार की, और इस पहल से जो भी क्रेता और विक्रेता होंगे उनको कम से कम सुकून की नींद रात में आएगी कि जो उनने किया है वो सब कुछ उनके साथ में सही हुआ है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। हमने जैसा सुना कि अभी एक विक्रेता ने जो हमको बतलाया कि पहले जिस तरीके से हम पटवारियों के चक्कर लगाते थे नक्शे और खसरे के लिए, उस व्यवस्था के बाद अब एक नई व्यवस्था में निश्चित रूप से क्रेता और विक्रेता को बड़ी राहत मिलेगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APR न्यूज़, उमरिया।